नमस्कार, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, जहां छत्तीसगढ़ राज्य उत्सव आज से 6 नवंबर के बीच मनाया जाएगा। नवा रायपुर मेला ग्राउंड में राज्य उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, इसके लिए तैयारियां पूरी हो गई हैं। राज्य उत्सव के पहले दिन मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि होंगे। कार्यक्रम के समापन में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शामिल होंगे। 3 दिनों तक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति होगी। इसके साथ ही विभिन्न विभागों के स्टॉल भी राज्य उत्सव में लगाए जाएंगे। राज्य उत्सव के अंतिम दिन में राज अलंकरण समारोह का भी आयोजन होगा। कार्यक्रम में 10,000 से 12,000 लोगों की बैठने की व्यवस्था भी की गई है। शासकीय विभाग विकास प्रदर्शनी लगाएंगे। शिल्पग्राम, फूड कोर्ट, मीना बाजार आकर्षण का केंद्र होगा। तो वहीं बॉलीवुड के कई कलाकार भी अपनी प्रस्तुति देंगे। अंतिम दिन में राज्य अलंकरण समारोह का भी आयोजन होगा। तो नवा रायपुर ग्राउंड में आयोजन होगा। पहले दिन मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। तो वहीं समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। नवा रायपुर ग्राउंड में आयोजन होगा और दुल्हन की तरह सजाया गया है। बता दें कि पहले दिन आज मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। तो वहीं समापन में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शामिल होंगे और आयोजन स्थल को दुल्हन की तरह सजाया गया है। बता दें कि राज्य उत्सव का आयोजन आज से 6 नवंबर तक चलेगा और कई कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। तो नवा रायपुर ग्राउंड में आयोजन हो रहा है छत्तीसगढ़ राज्य उत्सव आज से 6 नवंबर तक और आयोजन स्थल को दुल्हन की तरह सजाया गया है। तो पहले दिन मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे, समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। तो नवा रायपुर ग्राउंड में आयोजन हो रहा है और दुल्हन की तरह आयोजन स्थल को सजाया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर से संवाददाता गोपी साहू सीधे जुड़ गए हैं। गोपी, छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य उत्सव का शुभारंभ आज से होगा और 3 दिनों तक यह जो उत्सव है मनाया जाएगा, भव्य उत्सव मनाया जाएगा। दुल्हन की तरह आयोजन स्थल जो है उसे सजाया गया है, कई कार्यक्रम होंगे, कई कलाकार आएंगे। वहीं पहले दिन की बात करें, आज की बात करें तो मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। और क्या कुछ आज का कार्यक्रम अपडेट दीजिए गोपी। जी बिल्कुल, आज से छत्तीसगढ़ में राज्योत्सव का कार्यक्रम जो है वो शुरू होने जा रहा है। शुभारंभ के कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे। आज कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करने वाले हैं। इसमें विभिन्न कार्यक्रम जो है वो रहेंगे। बता दें कि राज्योत्सव में जितने विभागीय प्रदर्शनी है वह भी लगाए गए हैं। जिस तरीके से 10 महीने में जो छत्तीसगढ़ की सरकार की उपलब्धियां रही, चाहे मातारी वंदन योजना की बात करें, चाहे कृषि उन्नत योजना की बात करें जिसमें 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की जा रही, तेंदुपत्ता जिस तरीके से, चाहे वो आदिवासी क्षेत्र यानी बस्तर सरगुजा के लिए जो कुछ भी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही, उन तमाम योजनाओं की प्रदर्शनी इस राज्योत्सव में लगाई गई है। बता दें कि आज मोहन यादव उसमें शामिल होंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ साथ में। साथ ही जो 6 तारीख को जब इसका समापन होगा उसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उस दिन कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यपाल रमेन डेका के द्वारा किया जाएगा। बता दें कि इस 3 दिनों के कार्यक्रम में ख्याति प्राप्त कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। बता दें कि दूसरे जो बॉलीवुड सिंगर्स हैं उनके अलावा जो स्थानीय कलाकार हैं उन्हें भी विशेष रूप से समय दिया गया, इनके लिए भी एक समय रखा गया ताकि जो स्थानीय कलाकार हैं उन्हें बढ़ावा दिया जा सके, उन्हें किसी न एक प्लेटफॉर्म जो है वो दिया जा सके। इसके लिए स्थानीय कलाकारों के लिए भी एक समय जो है वो निर्धारित रखा गया है, जिसमें बता दें कि आरू साहू के साथ साथ में जो कई जो अनुराग शर्मा उनके द्वारा अनुराग
स्टार नाइट के साथ मनोज प्रसाद द्वारा इंडियाज गॉट टैलेंट के मलखम की भी प्रस्तुति यहां पर दी जाएगी। तो ये तमाम कार्यक्रम रहने वाले हैं। बता दें कि इसमें बॉलीवुड सिंगर शान आज प्रस्तुति देंगे, जिस आज उनका या जो कार्यक्रम है वो रहने वाला है। इसमें शान आज पहुंचेंगे और इसमें प्रदेश भर से युवा हो चाहे हर वर्ग के लोग वहां पर पहुंचेंगे। बता दें कि लगभग 12 से 15 हजार लोगों के बैठने की व्यवस्था राज्योत्सव स्थल पर की गई है और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद है, क्योंकि 5 साल तक जिस तरीके से राज्योत्सव हुए वो शहर के साइंस कॉलेज मैदान में हुए और छोटे स्तर पर हुए थे, और फिर 5 साल बाद वही वृहद स्तर पर राज्योत्सव का कार्यक्रम आज से इसका शुभारंभ होने जा रहा है। बता दें कि इस कार्यक्रम में इस राज्योत्सव में आखिर के दिन यानी समापन के दिन राज्य अलंकरण समारोह भी होगा, जिसमें कई हर क्षेत्र के लोगों को सम्मानित किया जाएगा। इसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के हाथों इन्हें सम्मानित किया जाएगा। बता दें कि इस कार्यक्रम में शिल्प ग्राम के साथ में फूड कोर्ट और मीना बाजार जो है वो आकर्षण के केंद्र रहने वाले हैं। तो ये तमाम कार्यक्रम तीन दिनों तक चलने वाले। अगर आज मुख्य रूप से बात करें तो मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उसके साथ ही जो बॉलीवुड के सिंगर हैं शान, ये आज मुख्य उनकी प्रस्तुति रहने वाली है। तो आज के आकर्षण के केंद्र शान रहने वाले हैं, जो अपने गानों के साथ में लोगों का मन मोह लेंगे। अगर हम बात करें सुरक्षा की, क्योंकि कई वीवीआईपीस इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं, तो सुरक्षा की अगर हम बात करें तो लगभग 400 से अधिक बलों की बल जो सुरक्षा जवान है उनकी तैनाती इस पूरे राज्योत्सव स्थल पर की गई है। एयरपोर्ट से राज्योत्सव स्थल और उसके बाद राजभवन तक में आखिर के दिन में इनकी तैनाती की जाएगी। साथ ही ट्रैफिक की अगर हम बात करें तो लगभग 100 ट्रैफिक के जवान तैनात किए जाएंगे मेफेयर एयरपोर्ट और राज्योत्सव स्थल, जहां पर भी वीवीआईपी मूवमेंट रहेंगे वहां पर 100 की संख्या में जो ट्रैफिक के जवान है वो तैनात किए जाएंगे। तो पूरी तैयारी अब लगभग हो चुकी है और इंतजार है सभी को आज के शुभारंभ का, जो शाम को 6 बजे इसका शुभारंभ किया जाएगा मुख्यमंत्री विष्णु देवसाय और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा आज इस राज्योत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। बिल्कुल गोपी, राज्योत्सव का भव्य शुभारंभ होगा। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद और आप बने रहिएगा, अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे।